हेलो एवरीवन, ये है साउथ इंडियन मूवी सरकारू वारी पाट्टा की ब्रीफ समरी पार्ट टू, जो कि महेश बाबू और कीर्ति सुरेश की है। तो चलिए हम समरी स्टार्ट करते हैं। अगले सीन में कीर्ति सुरेश के पिता महेश बाबू को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उससे बोलते हैं कि ठीक है, तुम्हें जितना पैसा चाहिए हम वो देने को राजी हैं, लेकिन तुम्हें मीडिया के सामने बोलना पड़ेगा कि मैं राजेंद्र नाथ जी को ब्लैकमेल कर रहा था, हम जितना भी तेरा पैसा है वो वापस कर देंगे। कीर्ति सुरेश के पिता राजेंद्र नाथ जी मीडिया को बुलाते हैं और उसके सामने अनाउंस करते हैं कि ये जो है हमें ब्लैकमेल कर रहा था और ये बड़े बड़े घरानों को ऐसे ही ब्लैकमेल करता है और ये खुद इस बात को कबूल करेगा। और फिर महेश बाबू मीडिया के सामने कबूल करते हैं कि हाँ, मैंने जो $10,000 इनसे मांगने का या इनको उधार देने का जो बोला था वो झूठ था, मैंने ऐसा कोई $10,000 इनको नहीं दिया, इन्हें मुझे कोई भी $10,000 वापस नहीं करने, इन्हें मुझे 10,000 करोड़ रुपए वापस करने हैं जो कि इन्होंने मुझसे लोन के रूप में लिए थे। ये सब सुन के सब चौंक जाते हैं कि यार, इतनी बड़ी रकम इस लड़के ने कैसे दी इसको। अगले सीन में कीर्ति सुरेश का मामा महेश बाबू को धमकी देने आता है कि क्यों रे, कैसे परेशान कर रहा है तू। तो महेश बाबू को गुस्सा आ जाता है क्योंकि कीर्ति सुरेश का मामा जो है उसकी कॉलर पकड़ लेता है, वो उसका एक चमाट देता है खींच के, तो उसके जो गार्ड होते हैं वो उस पर गुस्सा करते, तो एक और चमाट देता है तो और गुस्सा करते हैं, एक और चमाट देता है और गुस्सा करते हैं। तो महेश बाबू बोलते हैं कि तेरे गार्ड्स जितना ज़्यादा गुस्सा करेंगे या चिल्लाएंगे उतना तेरे में चमाट पड़ेंगे। तो उसका मामा जो है वो उन्हें चुप कर देता है कि भाई तुम लोग चुप रहो। अगले सीन में राजेंद्र नाथ जी महेश बाबू को फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि कहाँ है भाई। तो बोलता है कि अभी तो मैं दिल्ली आ गया, यहाँ मुझे काम है, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो यहाँ दिल्ली आओ। तो पूछता है कि चलो अच्छी बात है, तो दिल्ली में कहाँ पर मिलना है। तो बोले कि डिस्ट्रिक्ट जेल हूँ मैं, वहाँ पर आ जाइए, वहीं मैं मिलूँगा। तो राजेंद्र नाथ जी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जेल पहुँचते हैं। जब वो डिस्ट्रिक्ट जेल पहुंचते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि वो एक बैंक एम्प्लॉय जो उनके चक्कर में फंसी थी वो भी यहीं थी। तो ये देखकर राजेंद्र नाथ जी शॉक हो जाते हैं क्योंकि महेश बाबू ने बताते हैं कि इनसे 10,000 करोड़ रुपए आपने लिए थे लोन के रूप में और आपने वापस नहीं दिए और इनको फर्जीवाड़ा का केस लगा दिया जिससे इनको जेल हो गए। तो राजेंद्र नाथ जी हंसने लगते हैं। तो महेश बाबू बताते हैं कि वो उनको कहाँ पर और कैसे मिली, क्योंकि वो उसे डायरेक्टली नहीं जानते या फिर उनका कोई रिलेशन नहीं है उसके साथ। महेश बाबू बताते हैं कि वो लोग सिर्फ एयरपोर्ट पर एक इत्तफाक से मिले थे, वरना उनका कोई संबंध नहीं है। मैंने जब उनसे प्रॉब्लम पूछी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो उन्होंने बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और कोइंसिडेंसली मुझे $10,000 भी आपसे लेने थे, तो मैंने ठाना कि क्यों ना इनकी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और अब आपको हर वो चीज़ इनको लौटानी होगी जो जो चीज़ आपने इनसे छीनी है। तो राजेंद्र नाथ जी हंसते हैं और बताते हैं कि चलो अच्छा है, तुम दिल्ली में हो, मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ, तुम फ्री भी हो। तो वो अपने क्या है एक्चुअली इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर के पास जाते हैं, उनसे मीटिंग करते हैं कि वो उनके मित्र हैं, वो देश की कॉमर्स डिपार्टमेंट जो है, कॉमर्स डिपार्टमेंट है, और वो काफ़ी ऐसे जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है बड़े बड़े अपने, जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी वाले, उन सब से जाके मिलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एंड और भी अदर हायर ऑफिशियल से मिलते हैं वो जाके। तो महेश बाबू को समझ में आता है कि यार ये काफ़ी पावरफुल है, इस तरीके से दाल नहीं गलेगी, कुछ और करना पड़ेगा। उसके बाद अगले सीन में महेश बाबू SBI बैंक जाते हैं जहाँ से राजेंद्र नाथ जी ने लोन लिया था, वो वहाँ पर मैनेजर से मिलते हैं, लेकिन मैनेजर उनको इग्नोर कर रहा है, बार बार किसी और को बुलाकर या फिर किसी और पर आरोप रख के वो उस पर कटाच कर रहा है। तो महेश बाबू का दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार ये क्या तरीका बात करने का और ये किस तरीके से बात कर रहा है। तो वो उसके फ़ोन फेंक देता है, चेयर वगैरह को फेंक देता है। तो मैनेजर का मूड ख़राब हो जाता है, बोलता है ये क्या तरीका है भाई, गार्ड को बोलो, पुलिस को बुलाओ, गुंडागर्दी कर रहा है। तो महेश बाबू बोलते हैं कि गुंडागर्दी कर रहा है, गुंडागर्दी किसे कहते हैं। तो महेश बाबू मैनेजर की चमाट मारता है खींच के, इसे बोलते हैं गुंडागर्दी, और एक और चमाट मारता है, बोले इसे बोलते हैं मेरी लहजे में गुंडागर्दी, ठीक है,
तो गुंडागर्दी का नाम तो मेरे आगे लेना ही मत। और हाँ, जब तक आप नोटिस नहीं भेजे राजेंद्र नाथ जी को, तब तक मैं यहीं पर धरना बैठ के दूंगा। चाहे कभी भी कितने भी दिन हो जाए, मैं यहीं बैठा रहूंगा, ना ऑफिस बंद होगा ना ओपन होगा, ऐसा ही रहेगा ये। तो मैनेजर का दिमाग खराब हो जाता है कि यार, बोलता है कि यार भाई ऐसे मत करो वरना हमें दिक्कत हो जाएगी, आप मान जाओ। बोले कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उनमें से एक असिस्टेंट मैनेजर होते हैं जो हैंडीकैप्ड होते हैं, वो जब तक जो है टाइप कर लेते हैं नोटिस और बोलते हैं कि सर मैंने नोटिस टाइप कर लिया है और चलिए अपन राजेंद्र नाथ जी को नोटिस देने के लिए चलते हैं। तो महेश बाबू उन सब की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि तुम हैंडीकैप नहीं हो, ये लोग हैंडीकैप्ड हैं। सलाम है तुम्हारी सोच को, और मैं वादा करता हूँ कि एक घंटे के अंदर तुम अपनी चेयर पर बैठे हुए पाओगे सही सलामत। और दोनों जो हैं राजेंद्र नाथ जी के घर की तरफ चल देते हैं। दोनों बाइक से राजेंद्र नाथ जी के घर जा रहे होते हैं कि हर एक चप्पे पर इतने सारे गुंडे इकट्ठे हुए होते हैं कि वहाँ से निकलना संभव नहीं है। आधा आधा एक एक किलोमीटर पर बहुत सारी संख्या में इतने सारे गुंडे रहते हैं और उसको धमकी देते हैं कि वापस चला जाओ वरना यहाँ से जिंदा नहीं जाएगा। तो बैंक एम्प्लॉय बोलता है सर वापस चलिए, ये लोग बहुत ज़्यादा हैं और हो सकता है ये लोग हमें मार भी सकते हैं, सर वापस ले लीजिए। तो महेश बाबू जो हैं वो वापस ले लेते हैं। एंड उसके बाद महेश बाबू ट्रक लेकर आते हैं और फुल स्पीड से ट्रक चलाते हैं कि जिसको सामने आना है वो आ जाए और जिसको हटना है वो हट जाए, लेकिन वो ट्रक नहीं रोकेंगे और फुल स्पीड से ट्रक चलाते हुए चले जाते हैं। और इसी तरह जो है वो राजेंद्र नाथ जी के घर पर पहुंच जाते हैं। अगले सीन में कीर्ति सुरेश यूएसए से वापस इंडिया आ जाती है और उनके मामा उन्हें बताते हैं कि $10,000 की बात नहीं है, 10,000 करोड़ रुपए की बात है। उसने जीजाजी से 10,000 करोड़ रुपए मांगे हैं, कोई जैसी उसको छोड़ के चली गई आपके चक्कर में। तो कीर्ति सुरेश का दिमाग खराब हो जाता है कि यार ऐसी कौन सी जैसी छोड़ के चली गई, साला कावरा वावरा तो मेरे पीछे हो रहा था ये। तो वो दोनों बैठ के प्लान बनाते हैं कि जैसी के बारे में डिटेल निकाली जाए और उसको वापस लाया जाए जिससे ये हमारे से इतने पैसे ना मांगे और हमारा पीछा वैसे ही छूट जाए। तो दोनों उसके लिए ड्रिंक का इंतजाम करते हैं, फार्म हाउस पे ले जाते हैं अपने पर ड्रिंक और जाने क्या क्या। जब पार्टी ख़त्म होने के बाद या फिर मीटिंग ख़त्म होने के बाद वापस जाने वाले होते हैं कीर्ति और उसके मामा, तो महेश बाबू बोलते हैं कि आज रात के लिए कीर्ति को यहीं छोड़ जाओ और तुम जाओ। तो कीर्ति का मामा बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, बोल रहे बोला ना एक बार यहाँ छोड़ के जाओ और जाओ यहाँ से। बोले तो होश में तो है क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, कीर्ति का मामा बोलते हैं। तो बोलता है कि मैं इसके पैर पर पैर रख के सोऊंगा, अगर तुझे बैठ के देखना तो तू भी बैठ के देख, बट ये आज यहीं रहेगी। तो कीर्ति के मामा मान जाते हैं और वो उसे छोड़ के चले जाते हैं। अब होता है कीर्ति के मामा को ब्लैकमेल करने का सिलसिला, जब अगले दिन फ़ोन करता है कि तुम कीर्ति को लेके आओ। तो कीर्ति के मामा बोलते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या चक्कर है कि लेके आओ। तो बोले ठीक है कोई दिक्कत नहीं, रहने दो, तुम बताओ तुम्हारे जीजा कहाँ है। बोले क्यों, ऑफिस में होंगे। बोले ठीक है मैं उनको बता दूंगा कि कल तुम्हारी बेटी को ये मेरे पास रात के लिए छोड़ के चला गया। तो कीर्ति का मामा बोलता है कि हाँ ठीक है लेके आ रहा हूँ मैं कीर्ति को, लेकिन नरक में चलेगा साले, ऐसे कौन करता है। तो वो कीर्ति को लेके महेश बाबू के पास चला जाता है। तो महेश बाबू कीर्ति से बोलते हैं कि इडली डोसा वगैरह बनाओ और खाना खाएंगे। तो कीर्ति बोलते हैं कि मुझे तो बनाना नहीं आता। बोले नहीं बनाना आता तो सीखो लेकिन बनाओ मेरे लिए। तो कीर्ति जैसे तैसे करके उसके लिए खाना बना देती है। अब महेश बाबू को कीर्ति को और परेशान करना सोचता है, तो वो बोलता है कि मैं खाना नहीं खाऊंगा और तुम मुझे खिलाओ, मैं खाना ज़बरदस्ती खिलाओ मुझे खाना। तो कीर्ति उसे खिलाने की कोशिश करती लेकिन वो नहीं खाता, तो उसका मुंह पकड़ के ज़बरदस्ती उसके मुंह में डाल देती है। अभी अगला सीन होता है सोने वाला। तो कीर्ति सुरेश जो है वो सो जाती है चुपचाप बेड पर और महेश बाबू उसके पैर पर पैर रख के चुपचाप सो जाते हैं। और ये सिलसिला जो है वो कई दिन लगातार चलता रहता है, कई दिन। अगला सीन, एक दिन अचानक से महेश बाबू ने कीर्ति सुरेश को बुलाना बंद कर दिया। अब कीर्ति सुरेश अपनी माँ के साथ बेड पर सो रही थी तो उसे नींद नहीं आ रही थी क्योंकि उसे पैर पर पैर रख के सुलाने की आदत हो चुकी थी। तो कीर्ति सुरेश अपनी माँ से बोलती है कि माँ मेरे पैर पर पैर रखो ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। माँ बोलती क्या, बोले रखो ना क्या क्या कर रही हो।
तो कीर्ति की माँ कीर्ति के पैर पर पैर रखती है, तो उसे बोलते नहीं पैर हटाओ, वो फीलिंग नहीं आ रही, और ऐसे करके वो अलग करके सो जाती है। अगले सीन में SBI ने जो नोटिस दिया था राजेंद्र नाथ को, उसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर लगा दिया था कि कोई भी जो है 6 महीने तक राजेंद्र नाथ जी से किसी भी प्रकार की रिकवरी नहीं करेगा। तो महेश बाबू का दिमाग ख़राब हो जाता है कि यार ये क्या मतलब है, सुप्रीम कोर्ट जो देश का सबसे बड़ा जुडिशरी है वो ऐसे बोल रही है। तो राजेंद्र नाथ महेश बाबू को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि पता चला मेरी पावर का, देख सुप्रीम कोर्ट से कैसे ऑर्डर आया है कि 6 महीने तक कोई भी रिकवरी या कुछ भी एक्शन जो है वो राजेंद्र नाथ जी के अगेंस्ट नहीं लिया जाएगा, अब बोल अब क्या कर सकता है तू। ये सब बात उसके फैमिली वाले भी सुन रहे थे, तो बड़े शौक हो गए कि यार हमारे पापा ने 10,000 करोड़ का लोन ले रखा है और हमें पता भी नहीं है, हम लोन के पैसे से ऐस मार रहे हैं। अगले सीन में जब महेश बाबू अपने रूम में एंटर करते हैं तो वो कीर्ति सुरेश को वहाँ पर बैठा हुआ पाते हैं, तो वो शौक हो जाते हैं कि ये क्या सीन है यार, इतने दिन से मैंने से नहीं बुलाया तो ये अचानक से खुद अपने आप से आ गई। कीर्ति सुरेश महेश बाबू को चेक्स देने आई थी जो कि ब्लैंक चेक थे, वो कह रही थी कि आपको जितने पैसे चाहिए इन चेक्स में लिखो और आप यहाँ से चले जाओ क्योंकि मेरे पापा बहुत खतरनाक हैं, और ये जो चेक्स हैं वो उसे उसके पिता ने बर्थडे पर दिए थे। अगले सीन में कीर्ति सुरेश रूम से बाहर निकलती है, बाहर उसे गजरे वाला मिलता है तो वो उसे गजरा लेती है और चल देती है, तो गजरे वाला बोलता है कि मैम इसके पैसे तो दे के जाओ, तो कीर्ति सुरेश बोलती है कि वो जो पीछे सांप खड़े हैं वो इसके पैसे देंगे, और मुस्कुराकर चली जाती है। अगले सीन में महेश बाबू के अंकल को बैंक वाले परेशान करते हैं, उन्होंने 2 महीने की EMI नहीं भरी थी इसलिए वो उससे रिकवरी के लिए आते हैं कि पैसे क्यों नहीं भरे, हमें पैसे अभी के अभी चाहिए। तो बोलते हैं कि मेरी पत्नी की तबीयत ख़राब थी तो मैं पैसों का इंतज़ाम नहीं कर पाया 2 महीने से, लेकिन इस बार मैं पूरा पक्का भर दूंगा। लेकिन वो बदतमीजी करते हैं तो महेश बाबू एक जमा के चमाट मारते हैं और बोलते हैं कि इज्जत से बात करो, इज्जत से, जो राजेंद्र नाथ 10,000 करोड़ रुपए लोन ले रखा है उससे सरसर करके बात करते हो और यहाँ ऐसे बात कर रहे हो,